दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को कटीरे तार, सीमेंट के बैरिकेड से कवर किया जा रहा है। किसान मार्च को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर ही रोके जाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से भी किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अगर आज किसानों ने होने वाली बातचीत असफल रहती है तो गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया जा सकता है। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में अस्थायी जेल बनाई गई है। दिल्ली पुलिस टीकरी बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है। वहीं सिंधु बॉर्डर पर 3 लेयर सिक्योरिटी का प्लान बनाया गया है। बैरिकेटिंग के साथ साथ पूरे सिंधु बॉर्डर से लेकर मुकरवा चौक तक 16 किलोमीटर के रास्ते को 8 जोन में बांटा गया है। किसानों के दिल्ली घेराव को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब से लगने वाले सिंधु बॉर्डर पर कटीरे तार लगाए दिए गए हैं। सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड हैं। दिल्ली में गाजीपुर टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस एहतियात के तौर पर तैयारी कर रही है ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की गाड़ियां और बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं। CCTV और लाउडस्पीकर भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को डर है कि कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इसमें शामिल ना हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि दिल्ली मेरठ राजमार्ग भी बाधित हो सकता है। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की कई सीमाओं पर यातायात प्रभावित रहेगा। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के साथ ही शाहदरा जिले के फर्श बाजार, गांधीनगर, विवेक विहार, सीमापुरी जैसे इलाकों में धारा 144 लागू होगी। अमृतसर व्यास में किसानों का बड़ा जत्था दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। बड़ी संख्या में किसानों के ट्रैक्टर कतार में खड़े हैं। ऑल इंडिया किसान सभा ने किसानों के आंदोलन से फिलहाल दूरी बनाई हुई है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें तमाम किसान और मजदूर पूरे दिन हड़ताल और काम बंद करेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का घेराव किया जाएगा और हाईवे बंद किए जाएंगे। ऑल इंडिया किसान सभा का कहना है कि सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया, लेकिन उनकी सिफारिश नहीं मानी गई है। प्रशासन किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता। केंद्र सरकार की ओर से पीयूष गोयल समेत मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल किसानों से एक दौर की बातचीत कर चुका है। 12 फरवरी को चंडीगढ़ में इन किसान नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय का प्रतिनिधिमंडल फिर मुलाकात करेगा। चुनावी साल में सरकार किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती और इसलिए हर संभव किसानों को मनाने की मशक्कत चल रही है।